सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आई होप कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगे भी ऐसे रहेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली एवरीवन। आप लोग हमेशा ऐसी जो है स्वस्थ और मस्त रहें, आराम से जो है दीपावली मनाएं, और सपरिवार आपको जो है दीपावली की बहुत बहुत बधाई। तो आप लोग बताना कि भाई किस तरह का दिवाली का आपका प्लान है, कितने पटाखे वगैरह आपने ले लिए हैं, और क्या क्या आपका जो है प्रोग्राम रहने वाला है, मुझे कमेंट में जो है ज़रूर से ज़रूर बताना। और बढ़िया से दीपावली मनाओ, आराम से दीपावली मनाओ, हमेशा खुश रहो, बस यही जो है भगवान से आप सभी के लिए जो है प्रार्थना है। तो अगर बात करें गेम के बारे में, तो गाइस गेम के अंदर भी आज बहुत सारे इवेंट हमें देखने को मिले हैं। अगर हम स्पेशल इवेंट के बारे में देखें, तो स्पेशल एक हमारा मैजिक क्यूब का इवेंट आया हुआ है, जहाँ पर आपको जो है फ्री मैजिक क्यूब मिल जाएगा। बस आपने एक घंटा गेम को खेलना है, तो एक घंटा टाइम निकाल के आप लोग गेम खेल लेना। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे हमारे हर इवेंट के ऊपर हमको जो इनक्यूबेटर वाउचर है वो यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो लगभग हमें 9 या फिर 10 जो इनक्यूबेटर वाउचर है वो आज के दिन फ्री में मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, लोगों के मन में सवाल है कि अपना जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, या फिर जो दिवाली स्पेशल इनक्यूबेटर है वो अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब हमको फ्री में मैजिक क्यूब मिलता है तो हमारा जो मैजिक क्यूब का स्टोर होता है वो अपडेट किया जाता है। तो इस बार हमें यहाँ पे बहुत सारे जो इनक्यूबेटर वाउचर हैं वो फ्री में मिल रहे हैं। तो हमारा जो इनक्यूबेटर सेक्शन है वो कब अपडेट होगा, कौन सी यहाँ पे नई चीज़ आएगी, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट यो बंडल के बारे में। तो अभी हमारे गेम के ऊपर जैसे कोबरा बंडल है, बुया बंडल है, और एक रैम्पेज बंडल है। अभी दोस्तों एक नया यो बंडल भी यहाँ पे आने वाला है बहुत ही जल्द, तो उसके रिगार्डिंग भी दोस्तों बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बात करने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में जो कि आपको हमारे इंडिया और बांग्लादेश सर्वर के ऊपर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आने वाले न्यू फ्री फायर के वर्जन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ्री फायर लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। ऐसा इसका जो लीक्स वगैरह है या फिर जो यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो निकल के आ रहा है। तो सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि हमारे इंडिया में अभी जो करंट टाइम है यहाँ पे जो नॉर्मल फ्री फायर है वो बैन है। तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि हमारा जो नॉर्मल फ्री फायर है उसको नाम चेंज करके फ्री फायर लाइट के तौर पे इंडिया में लॉन्च किया जाए। क्योंकि इससे पहले जब हमारा पबजी यहाँ पे बैन हुआ था, तो पबजी का जो नाम है उसको चेंज किया गया था BGMI, और इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था। वैसे दोस्तों, जो नॉर्मल फ्री फायर है वो भी अपना जो नाम है उसको चेंज करके लाएगा। अब यहाँ पे नाम जो है फ्री फायर लाइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लाइट वर्जन है, क्योंकि ऑलरेडी फ्री फायर एक पहले से ही लाइट है। अब इसको कितना लाइट करेंगे भाई, आप लोग खुद ही समझ जाओ। 400-500 MB का तो पहले से ही गेम है, अब इसको कितना और छोटा करेंगे। तो इसका सिर्फ लाइट जो है नाम रहने वाला है, काम इसका फ्री फायर की तरह ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों अपना एक नया वर्जन यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। फिलहाल इसका बहुत ज़्यादा जो लीक्स वगैरह है या फिर बहुत सारा जो डिटेल वगैरह वो निकल के आ रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह और बहुत सारे जो है यहाँ पे डाटा माइनर वगैरह भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, ये जो लोगो वगैरह या फिर ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये तो शायद पुराना है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये तो यहाँ पे एक रियल इमेज नहीं है, बट हाँ ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि भाई हाँ, जो आने वाला टाइम है यहाँ पे आपको फ्री फायर लाइट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो है कितना एक्साइटेड हो, क्या आपको यहाँ पे अच्छा लगा या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताना। जो भी हो दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्री फायर का जो नया वर्जन है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह निकल के आएंगे इसके बारे में मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर जो है बता दूंगा। सो गाइस, इंडिया और BD सर्वर के ऊपर बहुत ही जल्द एक न्यू वेब इवेंट आने वाला है। वेब इवेंट के अंदर रिवार्ड क्या क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक पाराफल गन की स्किन और साथ ही एक मैक 10 गन की स्किन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो दो गन की स्किन है ये यहाँ पे आने वाली है, और इसके साथ दोस्तों आपको एक इमोट यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि अपना एक रनिंग इमोट रहने वाला है, और ये हेलोविन थीम के ऊपर बेस्ड है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो इमोट है इसके अंदर आपको साउंड इफेक्ट वगैरह भी देखने को मिलता है, और अनलिमिटेड टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रनिंग इमोट क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है। तो रनिंग इमोट के साथ ये जो दो गन स्किन है ये आपको एक आने वाले वेब इवेंट में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इनका जो PNG आइकन वगैरह वो निकल के आया हुआ है। तो इसका जो इवेंट है दोस्तों, इंडिया और BD दोनों सर्वर के ऊपर आने वाला है। अभी इवेंट कौन सा है वो तो पता नहीं चला है, लेकिन हाँ बेसिकली एक वेब इवेंट रहने वाला है। वेब इवेंट क्या होता है आपको पता ही है, जहाँ पे जो है डायमंड का कोई फिक्स प्राइस वगैरह नहीं रहता है। तो एक वेब इवेंट के ऊपर ये जो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं वो आने वाली है, और ये इवेंट आपको इंडिया और BD दोनों जगह देखने को मिलेगा। और इसकी डेट के बारे में बात करें तो ये November 1st के आसपास आपको इवेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे जो हमारी G36 की स्किन है, ये स्किन का भी इवेंट है यहाँ पे इंडिया और BD में आने वाला है। तो इंडिया और BD के अंदर दो अपकमिंग इवेंट हैं जिसके अंदर आपको गन स्किन और इमोट वगैरह देखने को मिलेगी। तो ये जो G36 की स्किन है ये यहाँ पे लक रॉयल के ऊपर भी आ सकती है, यानी कि हमारा कोई फेडरविल वगैरह इवेंट में या फिर कोई लक रॉयल इवेंट में आ सकता है।
और वह इवेंट में आ सकता है, इसका तो क्लियर नहीं है कि कौन सा इवेंट में आएगा, लेकिन हाँ जो इमोट है और जो यहाँ पे पाराफल गन स्किन वगैरह है वो आपको वह इवेंट में देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों इन दोनों के बारे में जो है कुछ और डिटेल वगैरह निकल के आती है तो मैं आपको आने वाले टाइम के ऊपर बता दूंगा। बाकी जो पाराफल की गन स्किन है वो अपनी हमारी यहाँ पे जो वेपन रॉयल चल रहा है बिजॉन का, उसी की थीम स्किन रहने वाली है। और बाकी जो हमारा मैक 10 की स्किन है वो भी अपनी जो G36 की स्किन आने वाली है उसी की यहाँ पे थीम गन स्किन है। तो ये आने वाले टाइम के कुछ इवेंट वगैरह हैं जो कि आपको इंडिया वीडियो में देखने को मिलेंगे नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हो या फिर इसमें से कोई चीज़ आप निकालना चाह रहे हो या फिर नहीं, वो कमेंट करके जो है मुझे जरूर से ज़रूर बता देना। अभी दोस्तों बात करते हैं आने वाले यहाँ पे नेक्स्ट ईवो बंडल के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है कि ईवो बंडल हमारे गेम के ऊपर आते रहते हैं, मतलब आते क्या रहते हैं, 2-3 ईवो बंडल आ चुके हैं। तो अभी दोस्तों एक स्पेशल ईवो बंडल आने वाला है जो कि अपना FFWS की थीम पे बेस्ड रहेगा। तो अभी अपना जो नवंबर मंथ है वो चल रहा है, 15 या फिर 16 नवंबर को हमारा OB37 अपडेट आ जाएगा, और अपडेट आने के जस्ट बाद एक मेगा इवेंट आने वाला है, वो है अपना FFWS बैंकॉक। तो बैंकॉक में जो वर्ल्ड सीरीज होने वाली है उसका एक इवेंट आपको देखने को मिलेगा, स्पेशल इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां से आपको बहुत सारे रिवार्ड जो है फ्री में मिलेंगे, और बहुत सारे जो रिवार्ड हैं उसके लिए आपको डायमंड खर्च करना पड़ेगा। अभी दोस्तों एक पोस्टर यहां पे निकल के आया हुआ है FFWS का, आप लोग देख सकते हैं। इसके साइड में दोस्तों एक बंडल बना हुआ है आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो ये जो बंडल है ये यहाँ पे एक नेक्स्ट ईवो बंडल रहने वाला है, ऐसा कोई अभी लीक्स वगैरह निकल के आ रहा है फिलहाल, मतलब ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह निकल के आया हुआ है। इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे एनिमेशन वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ये वाला जो बंडल है ये अपना अपकमिंग ईवो बंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है अपने को। अभी इसका फुल रिव्यू निकल के तो नहीं आया है, फुल रिव्यू आपको अपडेट के बाद, यानी कि जो हमारा 15 तारीख को अपडेट आ जाएगा 15-16 नवंबर को, उसको अपडेट के करने के बाद ही आपको इसका फुल रिव्यू मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों यही लीक्स वगैरह निकल के आ रहा है कि ईवो बंडल आएगा, तो आप लोग अपने डायमंड वगैरह रख सकते हो अगर आपको जो है ईवो बंडल निकालना है। बाकी एक ईवो बंडल तो रिटर्न में अभी आने वाला है जो कि अपना बुइया डे का ईवो बंडल है, तो वो आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगा हमारे अपडेट आने से पहले। तो दो ईवो बंडल आने वाले हैं, एक अपना ओल्ड बंडल रिटर्न में आएगा और एक नया बंडल आने वाला है। तो इसके बारे में जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल के आता है, इसका फुल रिव्यू निकल के आता है, इसका इमोट वगैरह निकल के आता है, तो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। अभी मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा था ताकि आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाओ, आप लोग को पता चल जाए कि हाँ भाई आने वाले टाइम के अंदर भी कोई ऐसा ईवो बंडल जो है हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो गाइस आज अपना दीपावली का पीक डे इवेंट है, और आज अपने को जो है बहुत सारे इंक्यूबेटर वाउचर यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कमेंट निकल के आ रहे हैं कि भाई अपना जो नेक्स्ट इंक्यूबेटर है या फिर इंक्यूबेटर के अंदर अपने को क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जिससे कि अपने जो हमारे वाउचर हैं उसका हम सही इस्तेमाल कर पाएं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी चल रहा है AWM, तो AWM जैसे निकलेगा या फिर ख़त्म होगा उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले तो थॉमसन गन का इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे 1000% कन्फर्म है। इस तरह का जो थॉमसन इंक्यूबेटर है वो हमारे इंडिया सर्वर के ऊपर आने वाला है 3 दिन के बाद। तो अगर आपके पास 10-12 वाउचर पड़े हैं तो आप लोग स्पिन करके यहाँ पे एक ब्लू प्रिंट तो आपका निकल ही जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप जो है एक गन स्किन यहाँ से ले सकते हैं। तो ये अपना जो है थॉमसन इंक्यूबेटर रहने वाला है, जो कि आपको 3 दिन के बाद बेसिकली जो है हमारे सर्वर के ऊपर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्पेशल इंक्यूबेटर के बारे में या फिर यहाँ पे कुछ धमाका होने वाला है या फिर नहीं। तो बेसिकली दोस्तों देखो धमाका के बारे में आपको बता देता हूँ कि कुछ पॉसिबल चीज़ें हैं यहाँ पे जो आ सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपना जो एक्समेट इंक्यूबेटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट एक्समेट अभी जस्ट नहीं आएगा, मतलब 1-2 दिनों के बाद नहीं आएगा। एक्समेट लगभग अगर आता है तो आपको जो है नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक्समेट का जो इंक्यूबेटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है थॉमसन के बाद या फिर थॉमसन के साथ साथ। और साथ ही दोस्तों हमारा जो यहाँ पे क्लोन इंक्यूबेटर है या फिर जिसको आप लोग जो है जोकर इंक्यूबेटर वगैरह बोलते हो, तो ये जो क्लोन इंक्यूबेटर है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो यहाँ पे लीक्स वगैरह है या फिर इसका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो काफ़ी टाइम से निकल के आ रहा है। और दीपावली से अच्छा मौका जो है या फिर दीपावली से कोई स्पेशल मौका यहाँ पे हो नहीं सकता इसके रिलॉन्च को लेके। तो ये जो इंक्यूबेटर है वो रिलॉन्च हो सकता है हमारे सर्वर के ऊपर दिवाली के टाइम पे, तो आप लोग इसको भी यहाँ पे निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो हमारा 3 दिन के बाद इंक्यूबेटर आने वाला है, आप लोग थोड़ा वेट करना, ऐसा नहीं कि जैसे ही हमारा थॉमसन का इंक्यूबेटर आता है आप उस पर जाके जो है तुरंत यहाँ पे स्पिन कर दो। तो आप लोग थोड़ा वेट करना, आपको यहाँ पे हमारा क्लोन इंक्यूबेटर भी देखने को मिलने वाला है और एक्समेट भी देखने को मिलने वाला है, बस आपको थोड़ा वेट करना है और अपने वाउचर वगैरह का जो है सही इस्तेमाल करना है। आपके पास कितने वाउचर हैं कमेंट करके मुझे जरूर से ज़रूर बताना।